हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर का जो हमारा पेपर वन चल रहा था एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स, उसके अंदर हम यूनिट टू पे आ गए हैं। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। उसमें एक आपका स्पेक्ट्रल लाइन वाला, उसका अल्कलाई स्पेक्ट्रा के लिए वो रहता है। ठीक है, बस एक ही टॉपिक रहता है और मैंने आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो वाला टॉपिक मैं आपको बिल्कुल लास्ट में करवाऊँगी। ठीक है, इसीलिए मैंने अब आज जो है आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैंने आप सबसे पूछा था कि आपने कौन सी यूनिट करनी है, तो आपने बताया था कि थर्ड यूनिट से पहले सेकेंड यूनिट को ही करवाओ, कंटिन्यूशन में चलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप जब से कह रहे हैं कि सेकेंड यूनिट को ही प्रेफर करें पहले, तो हमने सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा, जो सेकेंड यूनिट का सिलेबस है, मैं एक बारी आपको सिलेबस शो कर देती हूँ। एक बारी ढूँढना पड़ेगा, एक मिनट, मिल गया मुझे सिलेबस। देखो बच्चे, इसके अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें देखो, वेक्टर एटम मॉडल, क्वांटम नंबर एसोसिएटेड विद वेक्टर एटम मॉडल, पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। इसकी मतलब मेन आपका ये पूछा जाएगा तो 2 मार्क्स में, लेकिन इसके साथ LS कपलिंग में भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको बता दिया क्योंकि क्वेश्चन ना पूछा हुआ है बहुत बार, तो उसको कम्प्लीट करना। फिर ये स्पेक्ट्रल लाइन्स इन डिफरेंट सीरीज ऑफ एल्कलाई स्पेक्ट्रा, ये मैंने आपका छुड़वाया है। फिर उसके बाद है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड डबलेट टर्म सेपरेट LS एंड रूसेल सॉन्डर कपलिंग, और इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, और तो इसके अंदर ये पूरा मैंने करवा दिया। इसके साथ में मैंने इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट टर्म्स भी, क्योंकि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो मैंने कवर अप करवा दिया है। राइट, अब हम सेकेंड यूनिट के ऊपर चलते हैं। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट क्योंकि हम करने जा रहे हैं बेटा, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा ज़िमान इफेक्ट। ठीक है, आपका नॉर्मल और एनॉर्मलस ज़िमान इफेक्ट। ठीक है, फिर ज़िमान पैटर्न ऑफ D1 एंड D2 लाइंस ऑफ सोडियम एटम। एक्चुअली में ये आपका एनॉर्मलस की एनॉर्मलस जो आपका ज़िमान इफेक्ट है उसकी एप्लीकेशन है, तो ये एग्ज़ाम में इसकी एप्लीकेशन भी आएगी। पाश्चनबेक इफेक्ट, ठीक है, और आपका वीक स्टार्क इफेक्ट। तो यानी कि आपको पाश्चनबेक इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और ज़िमान इफेक्ट, जिसमें नॉर्मल और एनॉर्मलस ज़िमान इफेक्ट आता है, आपको इसके फर्स्ट पार्ट में वो कवर अप करना है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़िमान इफेक्ट से कि ये क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़िमान इफेक्ट से। सबसे पहले मैं इसी पे समझा देती हूँ, वहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको पहले बता देती हूँ कि ज़िमान इफेक्ट और आपका जो स्टार्क इफेक्ट है, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट है, और एक है आपका बेटा पाश्चनबेक इफेक्ट। तो ये हम बिल्कुल इजी वे में करेंगे, कोई इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी मेथड चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या होता है, ज़िमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और पाश्चनबेक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होंगे आपके ज़िमान इफेक्ट और पाश्चनबेक इफेक्ट, ये तो होते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड के बेस्ड पे जो फिनोमिना दिखाएंगे। ठीक है, और जो स्टार्क इफेक्ट होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो भी आपकी देखो, अब ज़िमान इफेक्ट पहले समझेंगे तभी तो इनके ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो ज़िमान इफेक्ट आपका, आपने जैसे सिलेबस के अंदर देखा था वहाँ से पता चल गया आपके 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल ज़िमान इफेक्ट और एक होता है एनॉर्मलस ज़िमान इफेक्ट। ठीक है, ये नॉर्मल और एनॉर्मलस ज़िमान इफेक्ट क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जब हम कोई भी आपका मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तो आपको पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, तो सिंपल अगर कोई फोटोन वगैरह दे दिया तो हमारा यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, कुछ नहीं दिया तो भी यहाँ पर हायर लेवल से लोअर लेवल के ऊपर ईजिली ट्रांजिशन आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारी अगर हो रही थी तो ये हमें क्या मिल रहा था, एक सिंगल बीम यहाँ पे मिल रही थी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दिया उसको, तो ये ही हमारी जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन थी वो हमारी स्प्लिट हो जाती है।
ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है बेटा, स्प्लिट हो जाती है। अब उसकी स्प्लिटिंग ही हमारी क्या डिफाइन करेगी, इन दोनों की डेफिनेशन। अगर इसकी स्प्लिटिंग ओनली थ्री लाइंस के अंदर होती है, एक सिंगल स्पेक्ट्रा अगर थ्री लाइन के अंदर डिवाइड हो जाता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो वो ज़िमान इफेक्ट, वो स्प्लिटिंग आपके क्या कहलाएगी, वो इफेक्ट क्या कहलाएगा जिसमें ये स्प्लिट हो जाता है, उसको नॉर्मल इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन कभी अगर आपका दो से ज़्यादा, आप तीन से ज़्यादा अगर स्प्लिटिंग हो जाती है आपकी एक स्पेक्ट्रल लाइन, तीन से ज़्यादा आपकी स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर क्या हो रही है, स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर स्प्लिट हो रही है, उसको बोलेंगे एनॉर्मेलस ज़िमन इफेक्ट। अब ध्यान से देखो कि अगर आपका एक लाइन ओनली थ्री के अंदर ही स्प्लिट हो रहा था, ठीक है, एक ऐसे बना देती हूँ, एक लाइन ओनली थ्री के अंदर ही स्प्लिट हो रहा था, तो यानी कि इसके अंदर कोई एडिशनल आपकी ये स्प्लिटिंग नहीं दिखाई, तो इसका मतलब ये तो किसकी वजह से, ओनली आपने जब ऑर्बिट के बारे में डील किया तभी आई थी, ठीक है। लेकिन हमें पता है अगर हम एनॉर्मेलस से बात करें तो इसके अंदर तीन से ज़्यादा की लाइन की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो तीन से ज़्यादा की लाइन की अगर इसके अंदर मैं स्प्लिटिंग करवा दी, ठीक है, तो तीन से ज़्यादा की अगर स्प्लिटिंग हो गई, तो आपको पता है पहले तीन में हो रही तो ऑर्बिट की वजह से, तीन से ज़्यादा यानी कि और उसका फाइन स्पेक्ट्रा उसने दिखाने की कोशिश की। फाइन स्पेक्ट्रा दिखाने की कोशिश कौन करता है, ज़्यादा उसके अंदर स्पिन का जब केस आ जाता है, इसका मतलब एनॉर्मेलस में हमारा ऑर्बिट प्लस में स्पिनिंग दोनों ही इफेक्ट इंक्लूड होते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ज़िमान इफेक्ट की डेफिनेशन देखनी है। तो ज़िमान इफेक्ट के अंदर क्या करें बेटा, नॉर्मल और अनॉर्मेलस में क्या किया आपने, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग देखी, किसके अंदर आपकी स्प्लिटिंग देखी, कब, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, ठीक है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन के अंदर जब डिवाइड होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ज़िमान इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमारी सिंगलेट लाइन हमारी ट्रिपलेट लाइन के अंदर डिवाइड हो जाती है, उसको नॉर्मल ज़िमान इफेक्ट बोलेंगे। और अगर वो ट्रिपलेट से ज़्यादा यानी कि तीन लाइन से, तीन कंपोनेंट ऑफ लाइन से ज़्यादा हमारी स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनॉर्मेलस ज़िमन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा था जब हमने हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। जब हम लो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और तब जो स्प्लिटिंग होती है हमारी, उसको बोलते हैं पाशन बैक इफेक्ट, राइट। अब बात करते हैं स्टार्क इफेक्ट के बारे में। तो बेटा स्टार्क इफेक्ट क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट में आपकी स्प्लिटिंग हो रही है, लेकिन कब हो रही है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो उसके ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों नॉर्मल, अनॉर्मेलस और पाशन बैक इफेक्ट, या फिर ये तो इसी के टाइप थे, तो ज़िमान इफेक्ट और पाशन बैक इफेक्ट, ये तो किसकी वजह से फिनोमिना हो रहे थे, किसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। लेकिन स्टार्क इफेक्ट एक ऐसा है जिसके अंदर स्प्लिटिंग किसकी वजह से होती है बेटा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें अब डिटेल में इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे, मैं शॉर्ट में इनको नहीं लिखवा रही। तो सबसे पहले नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर सबसे पहले ज़िमन इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट लिखेंगे। नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट के अंदर बेटा आपका क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी, ये दोनों आती हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको करवा रही हूँ, आप ये दोनों करिए, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबल ये है कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट में कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। फिर क्वांटम थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्मल ज़िमन, आप ज़िमन इफेक्ट के बारे में लिख लीजिए। ज़िमन इफेक्ट क्या बताया था बेटा मैंने, ज़िमन इफेक्ट बताया था कि स्प्लिटिंग होती है इसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस के नंबर ऑफ कंपोनेंट जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, द फिनोमिना, फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन विद द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
is zimanifect. ठीक है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, टाइप्स. फर्स्ट इज नॉर्मल जिमानिफेक्ट एंड सेकेंड इज एनॉर्मेलस जिमानिफेक्ट. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल को डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो हम नॉर्मल के बारे में ही, नॉर्मल की क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी पहले करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे एनॉर्मेलस जिमन इफेक्ट का. ठीक है, तो पहले नॉर्मल जिमन इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें करिए. ठीक है, तो नॉर्मल जिमन इफेक्ट आपका क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि इसके अंदर एक सिंगल लाइन थ्री लाइन्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. ठीक है, तो आप बोलोगे कि व्हेन ए सिंगलेट स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिट इंटू थ्री स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इफेक्ट इज नॉन एज ये कॉल्ड नॉर्मल जीमन इफेक्ट. ठीक है, अब इसको कैसे बताएंगे, इसको ऐसे बताएंगे कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रखा था तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रा आता था वो हमारा सिंगलेट आता था, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं किया, उस पर लगा दिया, तब हमारे पास कितनी लाइन्स आती हैं, वहाँ पे थ्री लाइन्स आती हैं. हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सेंट्रल लाइन होगी वो आपकी पाई, और जो आपके एंडिंग की होंगी यहाँ वाली और यहाँ वाली, वो कैसी होंगी स्टार्टिंग और एंडिंग की, वो आपके सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे. सिग्मा की जो बिल्कुल बीचों वाली है, बीचों बीच वाली है, इसकी इंटेंसिटी और सारी प्रॉपर्टी एज इट इज़ होगी जैसे कि आपके सिंगलेट वाले की होती है, और इन दोनों की इस तरीके से होंगी, या तो इससे जो ज़्यादा होगी या फिर इससे थोड़ी सी कम होगी. जैसा आपने वहाँ पे रमन लाइन उसमें भी देखा होगा ना, रमन होती है एक स्ट्रोक, एक एंटी स्ट्रोक होती है, तो रमन की तो रिले जैसे, जैसे आपकी सिंपल ओरिजिनल वाली होती है वो वाली होती है रिले वाली, और फिर साइड में क्या होती है एक स्ट्रोक जैसे, जिसकी इंटेंसिटी चेंज और उस एक की कम और एक की कम ज़्यादा होती है. ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें क्या करना है, इसके अंदर बताना है. ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह के साथ डील कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा एक की कम होती है, वहाँ पे भी ऐसे ही होती है ना. तो यहाँ पे लिखिए कि इन दिस पाई कंपोनेंट हैज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ओरिजिनल लाइन and two components is sigma component, one is higher frequency and other has lower frequency. ठीक है, then the ओरिजिनल वन या फिर ओरिजिनल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे. ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया था कि जो आपका नॉर्मल जिमन इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से आता है, ओनली आपके किसकी वजह से, एल की वजह से, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से. ठीक है, इसमें जो हमारा एस होता है वो हमेशा क्या रहेगा, ज़ीरो. इसमें कोई कंपोनेंट एस का, मतलब स्पिन का कोई केस नहीं होएगा इसमें. ठीक है, अगर स्पिन का केस नहीं है बेटा तो टर्म में हमारा मल्टीप्लिसिटी आता है एस जीरो, तो यानी कि वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगलेट टर्म्स रहेंगी. तो इसीलिए आप ध्यान रखना कि नॉर्मल जिमन इफेक्ट के अंदर ये जो टर्म होगी ये हमेशा कैसी रहेगी, सिंगलेट होगी. ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे कि नॉर्मल जिमन इफेक्ट, या नॉर्मल जिमान भी बोल सकते हो, जिमन भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप. ठीक है, तो नॉर्मल जिमन इफेक्ट इज शोन बाय एटम हैविंग ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम
एल वेक्टर ओनली. ठीक है, तो अगर ये है तो फॉर दिस एस तो हमारा ज़ीरो हो गया, एस ज़ीरो हो गया, तो टू एस प्लस वन हमारा ओनली वन होगा, यानी कि सिंगलेट टर्म. हैंस नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट विल बी अप्लाइड टू ए ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट स्टेट ऑफ एटम्स ओनली. ठीक है, तो इसके अंदर जो ये आपको शो होंगी वो उन्हीं के बीच में होंगी जो आपके सिंगलेट स्टेट की होंगी, उनके बीच की ही ट्रांजिशंस शो करेगा. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट. तो हेडिंग डाल लीजिए इसी के अंदर, क्लासिकली या क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट. ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट करना है. अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्लासिकल रोल लेना है. क्लासिकल रोल लेना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन का इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करना है. तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है जो एक वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी ये वाली हो गई, और जो ये मूव कर रही है तो किसी भी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो क्योंकि ये रोटेशन के अंदर आ जाएगा ना, तो हमारा ये हो गया. और यहाँ से हम क्या करके चल रहे हैं, इसका सेंटर मान के चल रहे हैं ओ. ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेंट्रिपिटल फोर्स तो वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. और आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी रोल लेना चाहते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड को आप फोर्स कैसे दिखा सकते हैं, बी क्यू वी से दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब वो भी लेना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो उससे पहले एक बार जो लिखना है हमें वो लिख लेते हैं. ठीक है, तो और ये जो थ्योरी दी थी बेटा वो किसने दी थी, लॉरेंस ने. तो हम लॉरेंस की लॉरेंस के बेस पे ही हम इसको बताएंगे कि, और उन्होंने लॉरेंस ने क्या यूज़ कर रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर को यूज़ कर रखा है. तो हमें उसी के बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा. ठीक है, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय लॉरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये सेंट्रिपिटल फोर्स में उसमें मूव कर रहा है तो हमें वो फोर्स बताना पड़ेगा, द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज दिस having mass m rotating in a circular orbit. कितना हो जाएगा, orbit of radius भी तो बतानी पड़ेगी, radius हमने कितनी मान ली, r of radius r is, तो centripetal force कितना होगा बेटा, f is equal to एम वी स्क्वायर बाय आर, यही होगा. ठीक है, तो आप लिखोगे एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन हमें तो पता है हमें इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में बताना है, तो वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के. ठीक है, तो अगर वी आर ओमेगा के इक्वल है तो यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर से एक आर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस फॉर्म में अगर मेरे को इसको लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आप क्या कर रहे थे, इसके अंदर ये बता रहे हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बताना पड़ेगा, बी क्यू वी क्यू फॉर्म में. ठीक है, तो अगर उसके फॉर्म में बताना है आपको तो उसी के फॉर्म में आपको फोर्स इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. अगर इसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ और इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ और इसके अंदर क्या लग रहा होगा, आपका जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो थोड़ी बहुत तो चेंज होगी, तो उसका फैक्टर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा. इसका मतलब हमें ये सारा चीज़ लेके इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है,
मतलब टोटल फोर्स लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से का फोर्स और सिंपल फोर्स, और यहाँ पे सिंपल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो और मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोड्यूस होने की वजह से स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो इसमें आई है वो भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके बाद कि इफ़ वी इज़ लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, then additional BQV, लेकिन Q यहाँ पे चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का E ही लगेगा, तो BEV is experienced, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये BEV हमारा एक्सपीरियंस होगा और इसकी वजह से, इस एडिशनल फोर्स की वजह से क्या होगा यहाँ पे, इसके जो एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी थी उसमें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। देन Due to this, if dW is change in angular velocity of electron, then इसको first equation मान लीजिए, first equation becomes F प्लस माइनस, क्योंकि ये हमारा जो बी ई वी था ये किसी भी उसमें हो सकता है, तो एफ प्लस माइनस बी ई वी इज इक्वल टू एम आर, और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा देखो, ये जो हमारा ओमेगा स्क्वायर है आपका, ठीक है, ये ओमेगा प्लस में इसका डी ओमेगा में भी तो चेंज होगा, तो ओमेगा प्लस में डी ओमेगा, क्योंकि अब ये इसमें थोड़ा सा एडिशनल चेंज हो सकता है, तो हम इसको बता देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो मेरे को पता है कि एफ किसके इक्वल होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो एक बार इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखो, एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस बी ई वी इज इक्वल टू एम आर, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में टू ए बी, तो ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, अब मैं बी का स्क्वायर करने जा रही हूँ, ठीक है, अब मैं टू ए बी, तो एम आर तो रहेगा ही ए और ये बी, ठीक है, ये पूरा हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन बच्चे ये भी तो देखो, हम जो इसमें एंगुलर वेलोसिटी में चेंज बता रहे हैं वो तो बहुत छोटा है, तो डी ओमेगा का स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, सो कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको निग्लेक्ट कर रहे हैं तो यानी ये क्वांटिटी तो मेरी हट गई, यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, ये एज इट इज़ कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस बी ई वी किसके इक्वल हो गया आपका, प्लस के किसके इक्वल आया है बच्चे आपके, टू एम आर ओमेगा डी डब्ल्यू के, और वेलोसिटी और कुछ नहीं, आर ओमेगा ही तो होती है, इस आर ओमेगा से मैंने दोबारा से ये भी कैंसिल आउट कर दिया, तो प्लस माइनस में बी ई इज इक्वल टू कितना हो गया, टू एम डी ओमेगा, ठीक है। तो अब मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, अब हमें जो मेन वैल्यू बतानी है बेटा वो आपको फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में बतानी पड़ेगी। तो अगर उसमें बता रहे हो तो ये जो डी ओमेगा है और कुछ नहीं, ये आपका कितना हो जाएगा, ई बी अपॉन में, ई बी अपॉन में टू एम के इक्वल हो जाएगा, और आपको तो पता ही है कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, टू पाई न्यू के, तो डी ओमेगा किसके इक्वल है, टू पाई डी न्यू के, तो यहाँ से मैं डी न्यू की वैल्यू भी तो बता सकती हूँ, तो ये टू पाई डी न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी बाई टू एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टू पाई को मैं अगर यहाँ लिखूँ तो ये फोर पाई एम हो जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज इज इक्वल टू ई बी बाई फोर पाई एम, ठीक है। आपको ध्यान हो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी तो इतनी आती है हमारी, ई बी बाई फोर पाई एम लार्मर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब हमें तो इसके अंदर वेवलेंथ के फॉर्म में बताना है, तो हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो डी न्यू अगर निकालना है तो इस लैम्डा की पावर माइनस वन कर देती हूँ, तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में तो चेंज आएगा ही नहीं, आएगा तो वेवलेंथ में आएगा, तो डी न्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा की पावर माइनस टू डी लैम्डा, ठीक है, और ये माइनस वन अपना आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये किसका रिजल्ट कितना आया, माइनस के सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा। अब हमें इसके अंदर ये पुट करना पड़ेगा, राइट, अब इसको पुट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के सी बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू में डी लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस सी बी बाई फोर पाई एम।
तो ये तो हमने अपने उसमें ले रखा था, अगर इसको यहाँ पे भी करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, इधर लेके चले जाते इसको, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय सी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वेवलेंथ में जो शिफ्ट आया है इसको क्या बोलते हैं, जीमान शिफ्ट। ठीक है, देन दिस इज द जीमान शिफ्ट। ठीक है, तो ध्यान देना इस माइनस साइन को, जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये प्लस माइनस था वो हमने देख वैसे ही रख रखा था कि भाई कुछ एडिशन हो सकता था, यहाँ पे नेगेटिव हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, हो सकता है पॉजिटिव था तो वो वहाँ पे माइनस आ जाता, तो किसी भी साइन के साथ आ सकता था वो, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस करके इस तरीके से उसका साइन रखा है। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि आपका जो रीमान शिफ्ट है वो कितना आया, प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय सी ई बी बाय 4 पाई एम। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो आपका था क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट वो कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़िमन इफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी वे के अंदर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल मज़े आ रहे होंगे, है ना? तो कमेंट करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसे अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।